हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं आलू से चिप्स। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 5 केजी यहाँ पे आलू रखा हुआ है। इस आलू से आज हम लोग बनाने वाले चिप्स। घर में जो आप लोग चिप्स देखे होंगे जो आलू से बनता है घरेलू तरीका से, उस प्रकार से हम नहीं बनाने वाले हैं। ऐसे यहाँ पे चिप्स बनाएंगे जो लेज कुरकुरे होता है, उस प्रकार से हम यहाँ पे चिप्स बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखना ये जो 5 केजी में हम कितना ज्यादा चिप्स बना सकते हैं। लेज कुरकुरे जो आप लोग देख रहे होंगे उसमें सिर्फ 5 रुपए में 5 ही पीस निकलता है। तो हमको यहाँ पे देखना ये है कि 5 किलो में कितना ज्यादा हम चिप्स निकाल सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी कमाल का वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते और देखते हैं कितना ज्यादा हम चिप्स निकाल सकते हैं 5 केजी आलू से। तो चिप्स बनाने का पहला तरीका ये है कि ये जो आलू यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसका जो ऊपर जो छिलका लगा हुआ है उसको सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर अगला स्टेप में हमको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला भी काम यहाँ पे ये है कि जितना यहाँ पे आलू रखा हुआ है सारा का जो छिलका है उसको हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए ये काम सबसे पहले कर लेते हैं। स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जितना आलू का छिलका था सारा हम निकाल दिए हैं। यहाँ पे हमको लगता है 1.5 से 1 केजी तो यहाँ इसका छिलका ही निकल गया है, और इतना यहाँ पे आलू जो है उस छिल को रख दिए हैं, मतलब कि यहाँ पे छिल के इसको यहाँ पे रख दिए हैं। अब इसको जो है चिप्स का जो होता है सेब उसको देना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक चिप्स काटने वाला यहाँ पे मशीन ले आए हैं। इसको इसके अनुसार यहाँ पे अभी हमको चिप्स बनाना पड़ेगा यहाँ पे जितना आलू है उसको। यह स्टेप जब कंप्लीट होगा तब हम फिर अगला स्टेप में जाएंगे। तब यहाँ पे मतलब 2-3 स्टेप और बचा हुआ है चिप्स बनाने के लिए, और यहाँ पे देखेंगे इतना आलू से कितना ज्यादा हम चिप्स निकाल सकते हैं। तो चलिए ये काम अभी करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चिप्स का जो आकार होता है वो यहाँ पे सर्कल में हो जा रहा है। जो मतलब कि थोड़ा बहुत आधा हो रहा है उसको हम हटा देंगे, मतलब कि वो चिप्स में काम मतलब कि आ जाएगा लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जो पूरी तरह से अच्छा तरीका से जो यहाँ पे कट रहा है उसी को हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। तो चलिए इस प्रकार से करके जितना यहाँ पे हम आलू को मतलब कि छील के रखे हुए हैं उसको सबसे पहले इसको काटना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, उसके बाद फिर अगला स्टेप में जाएंगे। तो चलिए जल्दी से ये कर लेते हैं। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है लेकिन करेंगे। जब तक हम ये काम कर रहे हैं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो मर्जी करता है वो कीजिए लेकिन कीजिए जरूर। हम ये काम कर रहे हैं तब तक। ये काम करने में थोड़ा सा रिस्क हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका जो है चाकू लगा हुआ है। जब लास्ट में आ जाता है तो हाथ कटने का थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से हमको करना पड़ेगा। तो इसके बारे में हमको पता चल गया है तो अब हमको टेंशन नहीं है। जैसा कि आप लोग को हम पहले ही बताए थे कि इसमें थोड़ा सा रिस्क है, और यहाँ पे आप लोग मेरा अंगूठा देख सकते हैं, मतलब कि जो सोच रहे थे वो हो चुका है लेकिन काफी ज्यादा डेंजर हो चुका है, काफी ज्यादा ब्लड आ रहा है। और मतलब कि एक होता है कि वहाँ से मांस निकल जाना, उस प्रकार से हो चुका है। ये जो कर रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा रिक्सी हो जाता है, जो लास्ट में जो आलू है पतला हो जाता है। अब यहाँ से जो है वो पार नहीं होता है, तो ज़बरदस्ती करने से यहाँ पे अंगूठा चल गया है, राम राम कर रहा है। लेकिन कुछ भी है मतलब कि आधा हो चुका है, आधा भी और बचा हुआ है। तो जैसे तैसे करके कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ऐसा वीडियो जो मतलब वीडियो बनाने के दौरान मतलब कुछ हुआ है, और कुछ थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है। अब तो लाइक कर दीजिए। चलिए थोड़ा जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं, मतलब कि और 2-3 केजी यहाँ पे बचा हुआ है। Few moments later, जितना यहाँ पे आलू था सारा को हम यहाँ पे चिप्स का शेप में काट दिए हैं, और यहाँ पे इतना ज्यादा हुआ है, मतलब कि 2 थाली भरा हुआ है और एक यहाँ पे कटोरा भरा हुआ है,
और यहाँ पे थोड़ा सा हम अलग शेप में थोड़ा सा यहाँ पे चिप्स काटने का प्रयास किए हैं, जो लेज में थोड़ा सा डिजाइनिंग होता है उस प्रकार से यहाँ पे हम काटने का प्रयास किए हैं। बाकी यहाँ पे नॉर्मली जो चिप्स होता है उस प्रकार से यहाँ पे हम सर्कल में काट दिए हैं। अब अगला स्टेप में हमको क्या करना है, ये सारा को जो चिप्स काटे हुए हैं इसको थोड़ा सा पानी में उबालना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में इसको जो सुखाना पड़ेगा। तो चलिए अभी पानी में उबालने वाला जो काम है उसको सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद इसको जो धूप में थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में इसको तेल में छानना पड़ेगा। तो अभी मतलब कि दो स्टेप तीन स्टेप और बचा हुआ है, तो चलिए सबसे पहले इसको पानी में उबालते हैं, गर्म पानी में। जितने यहाँ पे हम काटे हुए हैं चिप्स को उसको यहाँ पे धो के और यहाँ पे हम गर्म पानी अभी कर दिए हैं। अब गर्म पानी में थोड़ा सा इसको उबालना पड़ेगा, उसके बाद इसको निकाल कर धूप में थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा, तब लास्ट में हम इसको जो है तेल में छानेंगे। जब अंगूर से मतलब किशमिश बना रहे थे उस टाइम भी हम ये प्रक्रिया को किए हुए थे, इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि उसमें भी आप लोग को पता होगा कि अंगूर हरा था, उसको हम लोग थोड़ा सा ललहुन टाइप का कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं आलू मतलब कि पूरी तरह से यहाँ पे लाल नहीं हुआ है, अगर इसमें आप लोग देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको लाल देखने के लिए मिलेगा आलू। इतना यहाँ पे चिप्स जो हम यहाँ पे अभी उबाल रहे थे सारा को अभी हम छान के और यहाँ पे बाल्टी में रख दिए हैं। अब ये लास्ट स्टेज होने वाला है, इसको अभी हम धूप में सुखाएंगे और जैसे ये पूरी तरह से सूख जाएगा उसके बाद हम इसको तेल में छान देंगे, वो चिप्स बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको अभी लेके और जाते हैं धूप में सुखाने के लिए। सूखने के लिए चिप्स को रख दिए हैं पूरी तरह से, जब सूखेगा उसके बाद इसको तेल में छानेंगे। Few moments later. चिप्स पूरी तरह से सूख चुका है, यहाँ पे आप लोग को हम दिखा सकते हैं, देखिए यहाँ पे पूरी तरह से चिप्स जो है वो सूख चुका है। अब यहाँ पे हम रिफाइंड तेल लाए हुए हैं, ये तेल के माध्यम से चिप्स को अभी छानेंगे, तो चलिए इसको छानना स्टार्ट करते हैं। पहले आलू से हम लोग चिप्स बना दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करते गए हैं। सबसे पहले एक कटोरा में आलू भरा हुआ था 5 kg पूरी तरह से। सबसे पहले आलू का जो छिलका है उसको हम लोग निकाले, उसके बाद चिप्स के शेप में उसको काटे, उसके बाद उसको गर्म पानी में उबाल के, उसके बाद धूप में उसको लगा के, उसके बाद तेल में छान के और फैले तरीका से यहाँ पे चिप्स बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे दिखाने का बारी ये है कि 5 kg आलू में कितना ज्यादा चिप्स निकला हुआ है। जो लेज कुरकुरे होता है वैसे तो हम यहाँ पे फ्लेवर नहीं दे पाए हैं, लेकिन चिप्स बना के हम रेडी कर दिए हैं आलू का। तो चलिए देखते हैं कि कितना ज्यादा चिप्स निकला हुआ है 5 kg आलू से। तो इसको यहाँ पे करते हैं साइड और यहाँ पे भी हम रखने वाले हैं, तो इसी में हम रख देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 kg आलू से कितना ज्यादा यहाँ पे हम लोग चिप्स निकाल दिए हैं, और भी इधर गिरा हुआ है, मतलब कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इतना भरा हुआ था आलू 5 kg, और इससे मतलब कि ज्यादा ही हो चुका है सूखने के बाद। ये इसको अगर तेल में आप लोग डालिएगा तो थोड़ा सा बड़ा भी होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आलू से आप लोग खुद से भी चिप्स बना सकते हैं, ये सब घर में आप लोग को काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन हम कुछ अलग तरीका से बनाने का प्रयास किए हैं, थोड़ा सा इसको टेस्ट करके देखते हैं। एक नंबर लग रहा है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा हम नमक दे देंगे काला नमक तो और बेहतरीन लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आलू से हम किस प्रकार से चिप्स बनाए, अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमारा वीडियो आप लोग देखते जाइए और चिप्स आप लोग बना के आराम से खाइए। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसा है किसी नए कमाल का नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।